है भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। जालौन क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी एक चौकी प्रभारी ने गरीबों को बांटे कंबल। पूरा मामला जनपद जालौन के कुठौन थाना अंतर्गत हदरुक चौकी का है, जहां पर सर्दी के मौसम को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने गरीब एवं असहाय लोगों को कंबल वितरण किए। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कुठौन थाना पुलिस का सराहनीय कदम देखने को मिला है। आज हदरुक चौकी परिसर में जालौन क्षेत्राधिकारी विजय आनंद, कुठौन थाना प्रभारी अरुण कुमार तिवारी एवं हदरुक चौकी प्रभारी गोकुल सिंह व का शून्य रंजीत सिंह, शिवम, सोनू, अनिकेत पांडे, प्रदीप चौहान सहित समस्त स्टाफ ने गरीबों के लिए कंबल वितरण का आयोजन किया, जिसमें लगभग 180 कंबल वितरित किए गए। कंबल उन गरीब लोगों को दिए गए जो कड़कड़ाती ठंड को झेल रहे थे। पुलिस प्रशासन के सराहनीय कदम से क्षेत्र के सभी लोगों ने उनकी प्रशंसा की है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में उपस्थित इतनी अपार भीड़ के लिए मैं चौकी प्रभारी हदरुक एसआई श्री गोकुल सिंह जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने लोगों को यहाँ इकट्ठा किया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित थाना कुठौन के कर्मठ प्रभारी निरीक्षक जी और यहाँ पे गोकुल थाना चौकी प्रभारी गोकुल हदरुक श्री गोकुल जी, आज के इस कार्यक्रम में थाना कुठौन के चौकी हदरुक से चौकी प्रभारी हदरुक एसआई श्री गोकुल सिंह जी ने लोगों के द्वारा जन सहयोग से 200 कंबल का वितरण किया गया और इस अवसर से थाना प्रभारी श्री अरुण कुमार तिवारी जी भी उपस्थित रहे और भाजपा के तमाम पदाधिकारी घर भी यहाँ उपस्थित रहे और मकर संक्रांति के शुभ दिन पे और शुभ अवसर पर दान पुण्य सदियों से चला आ रहा है तो उसी क्रम पे आगे बढ़ाते हुए आज 200 लोगों को कंबल और उनके लंच पैकेट की व्यवस्था करके प्रभारी द्वारा वितरित किया। जनपद जालौन की लोकल खबरें देखने के लिए जालौन लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।